19 तारीख आज फिर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। पहला दाखला तो हमने कर लिया था कल एक्सरसाइज 3.1 का, अब एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा दाखला यहाँ पर करेंगे। कार बनाती कंपनी ना कार ना एक मॉडल माटे कार वापरा समय ने कार ना सरेराश वार्षिक निभाव खर्च बच्चे ना संबंध में अभ्यास करवा माटे नीचे मुझे माहिती मेळवामां आवी। एक्स 3 1 2 2 5 3 3 1 2 2 5 3 बहुत छोटी रकम है ये, बहुत इजी समय 10 5 8 7 13 8 10 5 8 7 13 8 1 2 3 4 5 छः बराबर कितना है 6 3 5 9 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 सिग्मा एक्स बराबर 16 सिग्मा वाई बराबर 10 5 15 15 20 30 40 50 और 51। अब बहुत छोटी रकम है 1 से लेकर 25 125, ये जो हमारी अमाउंट है ये दोनों अमाउंट 1 से 125 के बीच में जब आती है तो हमको ये वाला जाप्ता लगाना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई से वाला जाप्ता यहाँ पर लगाना है जिसके अंदर बी इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स का स्क्वायर एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स पूरे का स्क्वायर, ये वाला जाप्ता हमको लगाना होता है। ठीक है, ये वाला जाप्ता हमको लगाना होता है जब यहाँ पर x और y की रकम 1 से लेके 25 के अंदर होती है, 1 से लेके 25 तक के अंदर होती है तो हमको ये वाला जाप्ता लगाना है। ये जाप्ते के लिए n का भी हमारे पास सिग्मा x का स्क्वायर सिग्मा x भी है हमारे पास सिग्मा x सिग्मा y भी है हमारे पास, ये सिग्मा x है टोटल को सिग्मा बोलते हैं सिग्मा x सिग्मा y। अब क्या ढूंढना है, सिर्फ हमारे को एक्स स्क्वायर ढूंढना है, ये ढूंढना है और एक्स वाई ढूंढना है, तो इसके लिए दो कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर की कांटा भी ना हो एक एक आए बेलू चार पाँच पचास 25 43 9 एक्स वाई की कॉलम को जब करेंगे 10 3 30 5 1 5 8 2 16 7 2 74 13 5 65 और 8 4 24 6 5 11 12 14 15 20 24 2 2 4 6 4 10 11 12 13 14 15 154 25 9 34 34 38 42 43 और 52। छः यहाँ पर 154 यहाँ पर सिग्मा एस 16 सिग्मा वाई 51 के तकसीम में 6 सिग्मा एस का स्क्वायर है 52 माइनस 16 का पूरे का स्क्वायर 6 और 154 को जब करेंगे 924 16 और 51 को जब करेंगे 816 52 और 6 को जब करेंगे 312 माइनस 256 924 माइनस 800 तो यहाँ पर आएगा 108 के तकसीम में 56 108 के तकसीम में 56 1.1.93 ये हमको क्या मिला है बी मिला है, हमें यहाँ पर बी ढूंढा है तो हमको यहाँ पर बी मिला है। अब ए का जाप्ता ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार की कीमत हमारे को वाई बार हमारे को एक्स बार और वाई बार की कीमत ढूंढनी है, तो एक्स बार का जाप्ता आपको पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार का जाप्ता भी आपको पता है सिग्मा वाई अपॉन एन। एक्स बार में 16 के तकसीम में 6 तो आएगा 8.5 और 51 के तकसीम
में छेद यहाँ पर आएगा 2.66, सॉरी सिग्मा एक्स आएगा 2.66 और सिग्मा वाई बार आएगा 51 के तकसीम में 6, तो 8.5 यहाँ पर आएगा, 8.5 यहाँ पर आएगा 2.67, वाई बार की कीमत 5.5, बी की कीमत 1.93 और एक्स बार की कीमत है 2.67, 8.5 1.93 जर 2.67 तो आएगा 5.15, जिसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 3.35, 3.35 वाई कैप का लगता है a प्लस बी एक्स, ए की कीमत तो हमको मिली है ना 3.35, बी की कीमत क्या है 1.93। अब रकम में हमको एक्स एक्स की कीमत ढूंढनी है। आ परती वाई ने एक्स परनी, नीचे की लाइन देखो कोष्टक के नीचे की लाइन, आ परती वाई ने एक्स परनी यह संबंध रेखा मेड़वो, जारे कारखाना नो कार वपराश नो समय 5 वर्ष होए त्यारे वार्षिक निभाव खर्च नो अनुमान अने तेनी त्रुटि शोधो, त्रुटि भी ढूंढनी है हमको यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर वाई के एक्स पर की संबंध रेखा ढूंढेंगे, यहाँ पर रखना है 5, x की जगह पर रकम रखनी है 5, दाखिले में दिया हुआ है 9.65, 5 10 9 10 9 10 11 12, y के कितना मिला हुआ है यहाँ पर 12। ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का दाखिला, दूसरे नंबर के दाखिले का आंसर है 9 10 11 12, 12 और 1 है 13। दाखला नंबर 2 दूसरा दाखला कंप्लीट। अब दाखला नंबर हम तीसरा दाखला करेंगे। अब हम यहाँ पर कोई एक वर्ष में 5 जिला में मरेगा दाखला नंबर 3 कोई एक वर्ष में 5 जिला में थेला सरेरास वर्षा सेंटीमीटर में पाक कुल उत्पादन टन में से माहिती दिशा आपेली छे। वर्षा एक्स की कॉलम है 25 32 38 29 31, वाई की कॉलम है 84 90 95 88 93। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 और यहाँ पर टोटल कितने हैं 5। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग और निकालेंगे एक्स बार और वाई बार। जी
जीरो हो गया। अब y माइनस वाई बार करना है 90 में से 84 माइनस माइनस 6 जीरो, 5 माइनस 2 3 ये भी जीरो आएगा, 6 8 5 3 8 जीरो। अब ये दोनों को जरूर करना है 6 6 36 प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 2 4 प्लस हो जाएगा, ये भी जीरो, 35 2 70 और 75 यहाँ पर आंसर आएगा 75। इसका स्क्वायर निकालना है 6 6 36 37 49 2 4 और ये जीरो 44 अरे 49 50 50 50 60 70 80 और 90। कितना हुआ 90, 36 प्लस 1 49 प्लस 4 कितना हुआ। अब यहाँ पर जाप्ता लगाना है, b इज इक्वल टू n सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार के तकसीम में x माइनस x बार का स्क्वायर, 90 75 के तकसीम में 90। उसके बाद जाता है a बराबर y बार माइनस b x बार, तो y बार है कितना 31, यहाँ पर b लिखना है और x बार कितना है हमारा y बार 90 और x बार है हमारा 31। उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद हमको यहाँ पर y के ढूंढना है, ये प्लस b x इजी है, a की कीमत लिखेंगे b की कीमत लिखेंगे और x की कीमत तो हमको दी हुई है रकम में करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 90 0.83। अब यहां पर 0.83 को जर्ब करेंगे, 0.83 को 31 से जर्ब करेंगे तो 25.90 में से 25.70 माइनस होगा बचेगा 64.47। अब ये 64.47 के की जगह पर रखेंगे और बी की जगह पर 0.83 64.47 0.83 मल्टीप्लाई 35 आंसर आएगा 29.05। टोटल कितना होगा 64 प्लस 27 प्लस 29.05 93.32 ये हमारा वाई कैप का आंसर आएगा 93.32। ये हमारा कौन सा नंबर का दाखला हुआ, थर्ड नंबर का दाखला हुआ। अब फोर्थ नंबर का दाखला बुक के अंदर आपको देखो, फोर्थ नंबर का दाखला जिसके अंदर रकम दी हुई है 12 5 10 3 18 4 12 और 16, वाई की रकम दी हुई है 83 75 80 78 89 68 88 87 जिसके अंदर 100 तक की अमाउंट है, वाई की कॉलम में 100 तक की अमाउंट है, जिसको हम अगर जर्ब करने जाएंगे स्क्वायर निकालने जाएंगे दाखला काफी बड़ा हो सकता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर दोनों में से कोई भी रीत से आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से आप लोग कोई भी रीत से आंसर निकाल सकते हैं, या तो पहले वाली रीत से निकाल सकते हो या तो दूसरे वाली रीत से निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर का दाखला आपको होमवर्क में घर से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम 3.2 की एक्सरसाइज